एबीवीपी की तरफ से जो प्रदर्शन हो रहा है वहां पर इस वक्त पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी है। नौबत यहां तक आ गई है। शुक्रिया आशिका। इधर जम्मू कश्मीर में 50,000 मंदिर को दोबारा खोला जाएगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि ऐसे मंदिरों के सर्वेक्षण के लिए कमेटी बनाई गई है जो बंद हुए मंदिरों और स्कूलों का सर्वे करेगी। जी किशन रेड्डी ने बताया कि सालों पहले जम्मू कश्मीर में 50,000 मंदिरों को बंद कर दिया गया था जिनमें कुछ को तोड़ दिया गया था। गांव-गांव में बहुत सालों से बहुत पूरा ऑलमोस्ट बंद है। सर्वे करवा रहे, इतना मंदिर थे, इतना मंदिर अभी चल रहे, इतना मंदिर डिस्ट्रॉय हो गया, इसका एक सर्वे करने के लिए हमारा सब मंदिरों का, स्कूलों का, सिनेमा थिएटरों का, जो भी है, जो भी काम नहीं चल रहे, सबका सर्वे करवाना है। गांव-गांव में योगी जुड़ रहे हैं। अमित, 50,000 मंदिरों को दोबारा खोला जाएगा, सबसे बड़ा आंकड़ा तो यही है जो बता रहा है कि वहां पर किस तरह का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई है बीते वर्षों में। देखिए, अभी फिलहाल सरकार की योजना है कि कैसे रोजगार यहां पर लोगों को मिले और इसके जरिए जो मंदिर है, मंदिर वहां पर उनका सर्वे किया जाएगा ताकि ये पता चल सके कि कितनी संख्या ऐसे मंदिरों की है जहां पर पर्यटक आ सकते हैं। ये तो एक मंदिर का सवाल हुआ, उसके अलावा स्कूल कितने खोले जा सकते हैं, जो विकास की परियोजना है वो कहाँ कार्य सकती है। तो कुल मिलाकर चाहे मंदिर हो, चाहे स्कूल हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट सेंटर हो, इन सब के जरिए यही कोशिश है सरकार की जो वहां पर जम्मू कश्मीर के युवा हैं, करीब 15 लाख युवा हैं पूरे प्रदेश में, अब इस नई परिस्थिति की बात है, उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। और इस पूरी परिस्थिति में सबसे अहम चीज है यहाँ पर जो आज गृह राज्य मंत्री का जो बयान आया है कि मंदिरों और पर्यटन स्थलों के जरिए उनको और विकसित किया जाए और श्रीनगर के अलावा अन्य जो भी पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाए ताकि लोग आए और लोगों को रोजगार। और सिर्फ इतना नहीं, रोजगार तो मकसद है ही, और अगर स्कूलों का सर्वे हो रहा है तो अमित ये भी बताता है कि एजुकेशन के स्तर को भी बेहतर करना प्राथमिकता है।